आज हम बात करेंगे कि डिलीवरी के बाद कितने दिन ब्लीडिंग हो सकती है और ये क्यों होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम प्रोफेसर शमसा हुमायूं है और मैं इस वक्त सर्जीमेड अस्पताल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। इससे पहले मैं बतौर हेड ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी डिपार्टमेंट फातिमा इना मेडिकल यूनिवर्सिटी सर गंगाराम अस्पताल के साथ मुंसलिक थी। आफ्टर डिलीवरी आपने सुना होगा कि देर आर 40 डेज जिसको हम कहते हैं छिल्ला उर्फे आम में, और पोस्टपार्टम पीरियड इंग्लिश के अंदर। एक कॉमन सा सवाल होता है कि मुझे कुछ लोगों को ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, कुछ को कम हो रही है, और ये कब तक रहे तो ये नॉर्मल है। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है। जहाँ पे आपकी आवल अटैच होती है बच्चेदानी के अंदर, वहाँ पे एक रॉ एरिया होता है और वहाँ से ब्लीडिंग या डिस्चार्ज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चेदानी की लेयर बहुत मोटी हुई होती है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ जब प्लेसेंटा वो जगह खाली कर देता है तो बच्चेदानी अपनी नॉर्मल शक्ल में आने की कोशिश करती है, तो उस जगह से टिश्यू डिस्चार्ज होता है जिसके साथ ब्लड स्टेंड हो सकता है। फॉर फर्स्ट 7 डेज ब्लीडिंग इज़ यूजली माइल्ड टू मॉडरेट, और आफ्टर 7 डेज और 10 डेज ये ब्लीडिंग का या डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाता है और ये कलर जो है वो वाइट या येलोश हो जाता है। इसको हम कहते हैं लोकियल डिस्चार्ज, और ये लोकियल डिस्चार्ज इज़ कॉमन, सो दैट ऑल द अननेसेसरी टिश्यू विच इज़ देयर इन योर यूट्रस इट शुड कम आउट। और ये डिस्चार्ज आपका एंड के ऊपर कलर चेंज करते करते बिल्कुल लाइट कलर हो सकता है। यूजुअली इसका दौरानिया 40 डेज होता है। ये भी हो सकता है कि आपका ब्लड स्टेन डिस्चार्ज 10 डेज के बाद ख़त्म हो जाए, और फिर आफ्टर 10 डेज when you think that everything is okay, you can have this blood stain discharge again. So don't get upset, kyunki ye discharge natural aur normal hai aur iska hona zaruri hai, aur ye 40 din tak reh sakta hai. After 40 days ye ho sakta hai ki aapko normal periods aa jaye. Agar aap apne baby ko feed kara rahi hain to ho sakta hai ki aapke periods next 3 months 6 months na aaye. Lagta hai bazaar ke khane bahut khate ho. Ji doctor sahab, main ye medicine prescribe kar raha hu, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। छिले के पीरियड के अंदर अगर आपको ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, या वाइट या येलो डिस्चार्ज हो रहा है, तो दैट इज फेयरली कॉमन, सो डोंट गेट अपसेट। लेकिन अगर इस डिस्चार्ज में आपको स्मेल आए, या ये पस की तरह का हो जाए, या इसमें आपको साथ बुखार होने लग जाए, या बहुत ही हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाए, देन यू शुड इमीडिएटली कनेक्ट विद योर, और यू शुड रिपोर्ट टू योर अटेंडिंग डॉक्टर, बिकॉज इसका मतलब ये है कि शायद वहाँ पे इन्फेक्शन हो गई है और अब आपको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सो डोंट इग्नोर दोज साइंस। तो थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग, कलर डिसकलरेशन, डिसकलर डिस्चार्ज इज़ कॉमन, और ये छिले में नॉर्मल है और इसको नॉर्मल ही लिया जाए। अगर इन सारी जो हमने आज डिस्कशन की कोई आपका सवाल हो तो आप यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहें तो मरहम के थ्रू आप मेरे साथ ऑनलाइन या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू।